शुरू करो। शाबाश, पिट्ल में मिर्ची का प्रमाण बरोबर है। बहुत अच्छे अप्रतिम निर्मिति है ना, अपनी निर्मिति तो है ही अन्नपूर्णा। वहिनी, आप अपनी क्रेडिट मुझे क्यों दे रही है? अन्ना क्यों, तू तेरी साड़ियां, तेरे अच्छे गहने और तेरी मायके से आई हुई चीजें मुझे देती है ना, तो मैंने थोड़ा क्रेडिट तुझे दे दिया तो क्या हुआ? जीती रहो दोनों। तो पिटला बनाया कैसे है भारती? वो मिर्ची की दंडिया होती ना, दंडिया, उसको काट काट के तोरण बनाया, मोती चिपका के। अच्छी बात है, लेकिन अभी हम लोग तोरण तो नहीं ना खा रहे हैं, तो पिटला कैसे बनाया उस पे आ जाओ। हाँ बराबर, वो ताजी मिर्चियां लेके तेल में तल के, मिर्ची बहुत ताजी है हाँ भारती, कहाँ से लाई तू? वो गली में सब दुकान के बाहर नींबू मिर्ची लगाते ना, नजर ना लगे बोल के, वो स्कूटर साइकिल पे, वो रिक्शा पे भी लगाते ना। जो सुनना आएगा, आगे आएगा। आगे आएगा क्या आएगा? ये वो रिक्शा बिक्शा पे नींबू मिर्ची लगे होते हैं, उसमें से तोड़ तोड़ के लाई है क्या तू? अरे नहीं नहीं अन्ना, वो नींबू मिर्ची बेचने वाला है ना, वो जहाँ से ताजी ताजी खरीदता है ना मिर्ची, वहाँ से खरीदी मैंने। तो ऐसा सीधा सीधा बोल ना। अन्ना मैं भूल ही गया, ये हमारी पड़ोसी की यहाँ से गुजराती व्यंजन। ठीक ही होगा वैसे। अच्छा है बुरा है कोई भी इस बहस में पड़ेगा नहीं। हाँ पड़ोसी ने इतने प्यार से भेजा है तो हम भी अपना पड़ोसी धर्म निभाते हुए थोड़ा थोड़ा प्रसाद समझकर चख लेंगे। हाँ? दो बैठा। और ये गुजराती बावर्चियों ने उसमें लहसुन मिलाया, अरे रे। लेकिन प्रभाकर दादा तो बोल रहे थे कि हमारे परदादा ने गुजरातियों की नकल मारी थी। प्रभाकर, मैं कब बोला? परसों शाम को दुकान बंद करते समय रात के ठीक 7:31 पर पापा, जब केशव काका ने बोला कि रावण नहीं है आसपास, लगाओ फोन बिभावरी को। लोग चुप चुप के फोन लगाता हूँ उसे, इस घर में उसका नाम भी लेना मना है, जानते हो कि नहीं? बोलो। हाँ पहले आप तो बंद कीजिए, नींद में भी विभावरी विभावरी बड़बड़ाते रहते हैं। आज से सोना बंद कर दूंगा मैं, लेकिन उसका नाम सुनना ही नहीं देना चाहिए इस घर में। हाँ बच्चों, खामखा तुम्हारे अन्ना की आंखें भर आती है बेटी का नाम सुनकर। क्या, किसने कहा? विभावरी बाल कृष्ण गोखले। अगर भाई नहीं, क्या अगर भाई के इशारा ऐसे कैसे हुआ? क्यों भाई, तो ऐसे ही करते ना, अगर भाई अगर भाई। अन्ना रो रहे निर्मिति, अब क्या होगा? अब वो आंसू पोछेंगे। हाँ, क्योंकि अन्ना के आंसू मगरमच्छ के नहीं, असली है प्रभाकर दादा। मेरे आंसू असली हो या नकली, इस घर में उस लड़की का नाम या उसके पति का नाम किसी ने भी लिया तो। अच्छा सुनो, अगले हफ्ते नवरात्रि के पहले दिन हमारी दुकान को 100 साल पूरे हो रहे हैं, तो उसके उपलक्ष में हम पूजा रखेंगे, प्रसाद विसाद बांटेंगे, है कि नहीं? बोलो। हाँ, हाँ। ये खाना झूठा किसने रखा? आपने। बस उर्मिला। हाँ मिला, अरे रख दे, दो मिनट रख, दो मिनट। अरे अरे रख दे,
अरे तू ये खबर सुनेगी ना तो डांस करने लगेगी, डांस लिख ले तू, टेक इट फ्रॉम मी। सच महेंद्र, आप बाप बनने वाले? चुपे रुस्तम, कितना वा महीना चल रहा है। थाना थाना, मेरा जोक्स कॉमेडी था ना? बिल्कुल भी नहीं। अरे मैं तो अपनी किस्मत पे हंस रहा हूँ कि तू मेरी बीवी है डोबी। अब ओहो, अबे डाचून, डाचा मत चढ़ा। अच्छा देख, मुझे फोन आया था, हमारी दुकान के लिए हमें जो लाइसेंसेस चाहिए थे ना, फायर सेफ्टी, फूड, हेल्थ डिपार्टमेंट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सारे क्लियरेंसेस हमें मिल चुके हैं। है नहीं? हाँ। बोलो, देखो देखो मेरी दिव्य दृष्टि तो देखो महेंद्र। अरे मुझे आज सुबह से ही लग रहा था कि आज हमारे सारे लाइसेंसेस क्लियर होके हमको मिल जाएंगे। बोल। अच्छा, इसलिए तो मैंने ये जलेबी, ये शीरा, गाजर का हलवा, रसगुल्ला, ये सब एडवांस में ही बना के रख दिया। वाह 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 उर्मिला, वाह, भविष्यवाणी जो ने अंतर्यामी है। ये उर्मिला, तू ना साइड में ज्योतिष का शुरू कर दे। अरे उस ऑफिसर का मुझे फोन आया था कि उसने पेपर सारे कुरियर कर दिए, लेकिन अभी तक मिले क्यों नहीं पता नहीं। मम्मी, हाँ बेटा। मम्मी, मम्मी, ये आपने दुकान के लाइसेंस के पेपर ऐसे ही यूं ही बेड पर छोड़ दिए मेरे। हाँ? कौन से पेपर, कौन सा बेड, मैंने तो ये देखे ही नहीं। हाय ला मम्मी, अभी आप ही ने दिखाए थे और ऊपर डांस भी किया था ना कुछ देर पहले, और अभी बोल रहे कौन से पेपर, कैसे पेपर, मैंने देखे ही नहीं। जो भविष्यवाणी अंतरयामी है। क्या अपराध और मैं सिमरन? हाँ सबको बताया कि तू सिमरन हो। हाँ हाँ धीमा पढ़ो धीमा। मिला, अब तू देखना कैसे मैं अपनी दुकान को उस मराठी दुकान के मुकाबले सुपर हिट बनाता हूँ। पूरी दुकान एयर कंडीशन होगी और टेम्परेचर रखेंगे 20 डिग्री 18 डिग्री। अच्छा 18 डिग्री रखेंगे ताकि 16 डिग्री। ठीक है भाई, 16 डिग्री रखेंगे। माइनस दुकान है, इग्लू नहीं है, और कस्टमर भाकरवाड़ी कैसे खरीदेगा? महेंद्र भाई एक किलो भाकरवाड़ी देना। अरे तो ये गर्मा गर्म जलेबियां भी खरीदेंगे ना लोग, ठुठवाते चक्रमलाल। अच्छा उर्मिला एक बात बता, तूने लाइसेंस मिलने की खुशी में जो मिठाइयों का दहेज बिछाया है वो खाएगा कौन? हाँ महेंद्र, मैंने तो सोचा था जान पहचान वालों को सबको खिला देंगे, लाइसेंस मिलने की खुशी में सबका मुंह मीठा करवाएंगे, लेकिन फिर याद आया कि ये पूना में तो एक पान वाला भी पराया है, कोई एक आध भिखारी विखारी भी। ए महेंद्र, आप खा लो ना। मतलब भिखारी से तुझे महेंद्र याद आया? थाना थाना, ये कॉमेडी था ना? कॉमेडी तो था बहुत। अरे एक मिनट। और मम्मी आप क्या बात कर रहे हो, मुंह मीठा करवाने के लिए बहुत लोग हैं अपने आस पड़ोस में। कौन? अरे वो रामलाल दुबे यादव बिदव आए नहीं अभी तक। ये खाना बिना उधर ही गली में जा करके दे देते उन लोग को। अन्ना, ये पिटला, भाकरी, लोंचा, ताक सब दे देंगे? अरे हाँ बाड़ा, क्या है ना हमारा ये मराठी खाना खा के सोएंगे वो रामलाल बिमलाल, तो सपने भी मराठी में देखेंगे कि नहीं? बोलो हाँ। अन्ना अभिषेक, ये भूखे लोगों को खाना खिला के जो पुण्य मिलेगा ना, जो आशीर्वाद मिलेगा ना, वो आज से आप लोग मुझे दे देना। क्यों? अरे मरने के बाद मैं ऊपर जाके चित्रगुप्त को बोलूंगा ना कि देखो इस बार मैंने बहुत पुण्य किए हैं, तो नए जन्म में मुझे बहुत अक्कल देना, ऐसा पावली कम बना के मत भेजना। अमोल तथा पावली कम नहीं है, अब बहुत मासूम और भोले हैं। चलो चलो अभी वो यादव बिदव को ये देख के आते, भूखे होंगे। चल। उनके बच्चे भी आएगा उसे। अच्छा ये इतना कितना ठंडी लगता है तुम लोग को, शेकुटी बेकुटी। अरे इंद्रजीत, ये क्या सोने की तैयारी बियारी, आया क्यों नहीं खाना खाने के लिए? इसलिए यहाँ लेके आए, पिटल, भाकरी, ताक, लोंचा सब है। हमने तो खाना खा लिया अभिषेक भैया। खा लिया? अरे ऐसे कैसे खा लिया, हम लोग ने बोला था ना हम लोग के घर पे आके खाना खाने का है, अब फिर से वो
तुम्हारा वो भुर्जी बिर्जी खा के पेट बिगाड़ा है क्या? नहीं नहीं अन्ना, आज भुर्जी वुर्जी नहीं खाई, आज तो रसगुल्ले, हलवा पूरी, जिलेबी खाए, उन्होंने खिलाए। एना पछे आप जे गायत्री अभिषेक आलेले हाय नमस्ते नमस्ते। अरे आप इन लोगों को खाना खिला रहे हो? हाँ, आज हमारे कामकाज का लाइसेंस क्लियर हो गया ने? रसगुल्ला आप भी ठप करो एक आध में। नहीं नहीं मैंने अभी खाना खाया। हाँ मैंने भी अभी खाना खाया, लेकिन यहाँ पे ना, यहाँ पे दो रसगुल्ले फिट हो जाएंगे बड़ा, तो मैं दो रसगुल्ले खा लेता हूँ बड़ा, बड़ा। अभिषेक बेटा तू भी खा ले। नहीं थैंक यू। वैसे अन्ना साहब हम आपके ही घर आने वाले थे आप सबका मुंह मीठा करवाने के लिए, लेकिन फिर गायत्री ने बोला कि गली के गरीबों में मिठाइयाँ बांटते हैं मम्मी। ओ ठीक है ठीक है। हाय हाय आप तो बुरा मान गए अन्ना साहब, हम आपके घर नहीं आए इसलिए। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, वो आप लोग जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है उर्मिला बहन, लेकिन क्या है ना आज हम लोग इन लोगों को खाना खिलाने वाले थे। अरे तो अन्ना साहब यहाँ आ जाइए ना, साथ मिलके खिलाते हैं। आ जाइए आ जाइए आ जाइए। अरे ले आओ भाई जल्दी से। ये भूख पे कहाँ किसी का नाम लिखा होता है सिवाय भूखे के, है ना? अन्ना साहब हमने सोचा कि भगवान को मिठाई खिला देंगे, लेकिन गायत्री बोली कि पापा भूखे बच्चे से बड़ा भगवान कौन हो सकता है। अप्रतिम विचार गायत्री बेटा। अन्ना साहब आप अपना नमकीन खाना खिला दीजिए, मैं मीठा बाद में खिला दूंगा। एक बात कहूं, मराठी और गुजराती दोनों स्वाद मिल जाएंगे, आप लिख लीजिए, टेक इट फ्रॉम मी। आइए आइए। क्या क्या बोले, टिकट फ्रॉम क्या, टिकट क्या आप मतलब? हाँ क्या नाम क्या तेरा साहिब ना? हाँ पिछले हफ्ते खिलाया था याद है ना? अगर भाई निर्मिती हाँ? 10:30 हाँ। अरे जल्दी होमवर्क पूरा करो उज्ज्वला, वरना अन्ना मुझे फेल कर डालेंगे। हाँ बंटे मैंने कहा तुम लोग भी बस 10 मिनट का की, फिर सवेरे जागने में तकलीफ होगी, कितना ऊट ऊट करना पड़ता है। एक मिनट ये ऊट का इशारा ऐसे? हाँ तो रेगिस्तान में ऐसे ही चलता है ना ऊट। ए बच्चा मंडली चलो चलो अपने अपने रूम में घुसो वरना चौकीदार आ जाएगा डंडा लेके। अन्ना आ गया। अन्ना 10:30 बज गए फिर भी ये लोग। गब्बस ने चोमड़िया तू भी तो सोया नहीं ना अब तक। हाँ क्या ये भारती डांट क्यों रही हो? अरे ये जिम्मेदार लड़का है, अपना सब काम समय पे करता है, ऊपर से मेरा हाथ भी बटाता है कि नहीं? और ऊपर से पढ़ाई में अव्वल और मराठी विषय में तो पूरी स्कूल में टॉप, और ये उज्ज्वला हर विषय में पीछे। अन्ना तुझे तो अन्ना पढ़ाता है ना स्पेशली? हाँ तो तुझे भी तेरी मम्मी पढ़ाती है कि नहीं? कहाँ अन्ना, बंडिया और मेनका से फुर्सत मिले तो मुझ पे ध्यान दे पाएगी ना मम्मी। निर्मिती अपने बच्चे पे ध्यान दो बेटा। मैं अपने बच्चों पे ही ध्यान दे रही हूँ अन्ना। वाह वाह निर्मित क्या हाँ वाह क्या वाह, तू नहीं पढ़ा सकता अपनी बेटी उज्ज्वला को? हाँ नहीं नहीं पापा नहीं, गणित में अगर कोई भी समय ये तो यही कहते हैं, मान लो दुकान और वाड़ा बेच दिया और उसके 4 हिस्से किए तो सबके हिस्से में कितना आएगा? उससे अच्छा तो मैं खुद ही पढ़ लूंगी। उज्ज्वला उज्ज्वला काकी हम हमारी पढ़ाई खुद कर लेंगे, आप उज्ज्वला को पढ़ाइए।
भाई 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 भाई, अगर मैं अंग्रेजी माध्यम में पढ़ी होती ना तो मैं ही तुम दोनों को पढ़ाती थी, पर मैंने पांचवी कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ दी, वो भी मराठी माध्यम। क्यों, पढ़ाई पूरी क्यों नहीं की तुमने भारती? वो मेरे भाई दीनू को स्कूल भेजना था ना, तो बाबा ने कहा कि तू पढ़ाई छोड़ देगी तो ही मैं दीनू की फी भर पाऊंगा, इसलिए मैंने पढ़ाई छोड़ दी अन्ना। ये सारा कसूर अंग्रेजों का है। क्या? मैं मुहिम चालू करूंगा फिर से सारी पाठशालाओं को मराठी माध्यम बना दे करके। अरे ज्ञान तो ज्ञान होता है, उसका भाषा के साथ क्या लेना देना है कि नहीं, बोलो। हाँ इस समस्या का हल मैं ढूंढ निकालता हूँ कुछ। अरे गायत्री जल्दी आ, ये माइक कनेक्ट हो गया टीवी के साथ। वो गाना गाते हैं। कौन सा? वो अपनी, वो उसका। कौन सा कौन सा? वो अपनी है ना उसका। अरे किसका? अरे अपनी हीरोइन, वो कौन? आशिकी टू की हीरोइन, शक्ति कपूर का गाना। श्रद्धा कपूर अवे? हाँ भैया, सेम अवे। सेम? अरे दोनों बाप बेटी है ना, आप भी क्या बाल की खाल निकालने बैठ जाते हो। कनेक्ट हो गया? हो गया बेटा, हो गया। अब पूरी रात गाएंगे कराओके कैरियोके। कराओके कैरियोके, तू भी क्या बाल की खाल निकाल रही है? अरे निर्मिति, ये क्या, ये वो गुजराती लोग के नाश्ते के डिब्बे लौटा ही नहीं, अपना मराठी नाश्ता भर करके। अब वो नाश्ता तो मैंने भर दिया अन्ना, पर क्या हुआ ना, बच्चों की पढ़ाई में मेरे दिमाग से। लो माइक टेस्टिंग, 1 2 3 1 2। कितना मस्त आ रहा है मेरा आवाज। जोर से चिल्लाते हैं ये गुजराती लोग। गुजराती गाने से शुरू करते हैं। चलेगा। वो है ना, हमने बेली हमने तली गुर्जर, आज महादेव पे छुड़वाएंगे अन्ना इनका। हमने बेली, इतनी रात को माइक पे गाना भी ना। और वो गाना सुन के तुमने ताल मिलाई निर्मिति? जाके डांस भी करो गुजराती लोगों के साथ। मैं डिब्बे देकर आती। अच्छा रुको, मैं भी चलता हूँ। नए है ना पड़ोसी ये गुजराती लोग, नाश्ते के साथ साथ कुछ और भी देख के आते हैं हम लोग। अरे वो नहीं आएगा ना इसमें। हाँ। इसको ऐसा सब नहीं आता है। अच्छा कुछ लेटेस्ट गाओ ना। लेटेस्ट कौन सा गाऊं? वो है? होश ना खबर है। होश ना खबर है गाओ ना। अच्छा है ये गाना। अच्छा है। हाँ। अब देखना ओरिजिनल से भी बेटर गाऊंगा मैं, लिख ले तू, टेक इट फ्रॉम मी। शुरू हो गया। दिलबर दिलबर, हा दिलबर दिलबर, दिलबर दिलबर, हा दिलबर दिलबर, होश ना खबर है ये कैसा असर है तुमसे मिलने के बाद दिलबर। उर्मिला उर्मिला, तुमसे मिलने के बाद दिलबर, दर्द है चुभन है, दर्द है चुभन है, क्या दीवाना। कौन आया अभी? पन है ये दीवानापन है तुमसे मिलने के। अरे आइए 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 अन्ना साहब आइए। तुम्हारा वो कुतरा, वो चॉकलेट बिस्कुट क्या है वो? बिस्किट वो तो सो गया, कल सुबह स्कूल है ना उसकी। आइए आइए ना आप लोग, आइए थोड़ा ऐसे। नमस्ते। आइए आइए बैठिए ना प्लीज, कम बैठिए भाभी, इधर इधर। निर्मित भाभी ये पीजिए, गर्मा गर्म मसाला मिल्क जायफल वाला है, आपको बहुत पसंद आएगा। अरे ट्राई कीजिए, तबीयत खुश हो जाएगी आपकी। अच्छा है, दूध अच्छा है गायत्री बेटा। है ना अन्ना साहब, हमारे राजकोट में तो रात को 12-12 बजे तक लोग घर से बाहर निकलते हैं मसाला मिल्क पीने के बहाने। बोलो तुम्हारे राजकोट में तो रात को 12-12 बजे तक वो गरबा डांडिया बिंडिया भी खेलते हैं ना वो गुजराती गानों पर। और वडोदरा में तो दशहरे की पहली वाली रात को फुल नाइट, नो रोक टोक। शाबाश, लेकिन ये पुणे है, पुणे। और उसमें भी ये हमारा महादेव पेट है, यहाँ 10 बजे के बाद रात को घर का पंखा भी बिना आवाज की घूमता है। उर्मिला बही, हाँ तो
वो भी अब जोर जोर से गाना गा रहे थे ना माइक पे। कराओके कैरी ओके वो कोई सा भी ओके बिके वो ओके नहीं है। हाँ लेकिन नाना साहब हम तो धीरे से ही गा रहे थे। लेकिन हम लोग को जोर से सुनाई दिया ना। कसूर आपकी आवाज का नहीं है। क्या है ना हम लोग के कान ही कुछ ज्यादा तेज है। अरे रे 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 तो रोई वोई नहीं रखते घर में अन्ना साहब? रखते रखते हैं लेकिन तुम लोग के मुंह में रुई तो नहीं ठोस सकते ना गाना बंद करवाने के लिए। क्योंकि हम अच्छे पड़ोसी है कि नहीं बोलो। हाँ क्या है ना रात को 10 बजे के बाद माइक भी कैसा कुछ नहीं और 10:30 के बाद टीवी रेडियो वीडियो ये दिलबर बिरबल ऐसा कुछ नहीं। हाँ माफ करना अन्ना साहब लेकिन हम हमारे घर में तो अपने घर खरीदा है पूरा महादेव पेट नहीं। नहीं नहीं ऐसा नहीं कह रहे हैं हम पर मैं कह रहा हूँ क्या है ना ना खरीदने पर भी इस मोहल्ले को अपना समझो महेंद्र भाऊ और अपने नए मोहल्ले के नीति नियमों का आदर करो। ऐसा मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ।